हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वार मोटोराइक। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हीरो पैशन प्लस 2023 मॉडल के पॉजिटिव पॉइंट्स। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको पैशन प्रो जो फर्स्ट मॉडल आता था, फर्स्ट जनरेशन, उसका लुक देखने को मिलता है, जिससे बाइक आपको बहुत बल्की और मोटी लगती है 100cc बाइक के हिसाब से। अगर अपन इसके सामने दूसरे 100cc के बाइक्स रख दें तो सबसे अच्छी बाइक यही लगेगी लुक्स में, क्योंकि यहाँ पर आपको बल्की लुक्स मिलते हैं और स्टिकर्स अच्छे लगाए गए हैं। यहाँ पर पैशन प्लस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इसके स्ट्राइप्स हैं, नया कलर है, नया स्कीम है, जिससे बाइक आपको फ्रेश लुक देती है और बाइक रोड पर अलग ही प्रेजेंस लेके निकलती है। अगर 100cc बाइक्स को देखते हैं तो दूसरे 100cc बाइक्स के सामने ये बाइक कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ती लुक्स में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। लेकिन फ्रंट की प्रोफाइल देखो, डोम बहुत बड़ा मिलता है आपको, विंडशील्ड आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, हीरो की बैजिंग आती है, यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा किया गया है, बॉडी कलर्ड मडगार्ड भी मिल जाता है आपको, टैंक बताऊँ तो टैंक भी आपको बहुत मस्कुलर लगता है, टैंक कैपेसिटी भी अच्छी लेके आता है, वो आपको आगे बताऊंगा। बाकी यहाँ पर रेड कलर के स्ट्राइप्स थोड़ा आपको फंकी लुक एड ऑन करते हैं इस ब्लैक कलर की स्कीम के ऊपर। बाकी सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ आती है, रियर की प्रोफाइल भी आपको अच्छा खासा लुक प्रोवाइड करती है। बाइक को साइड से देखते हैं तो बाइक आपको पैशन प्रो फर्स्ट जनरेशन की याद दिला देगी। पैशन प्रो फर्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बाइक थी, उस हिसाब से देखते हैं अपन तो बाइक के लुक्स आपको नो डाउट सबसे अच्छे देखने को मिलते हैं 100cc कैटेगरी के अंदर। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट कंसोल को लेके, इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, I3S ऑन ऑफ, और यहाँ पर इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर आता है, न्यूट्रल लाइट बताती है, लो बीम हाई बीम लाइट यहाँ पर आती है, पासिंग करने पर बताएगा, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर वाली इंडिकेशन मिल जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली लोडेड है फीचर्स के साथ। इसी के साथ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के आगे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पर फोकस करके बताऊँ आपको, हमारा फ़ोन पहले से ही बेकार है और सतारा, यहाँ पर यह है इसका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। लॉन्ग राइड करते समय आपको पता चलेगा इसकी कीमत के, लॉन्ग राइड्स के ऊपर आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको कितनी सहूलत होती है। आप बड़े बड़े रास्तों पर जाते हैं, लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं तो आपको पता चलेगा इसकी कीमत। हर एक बाइक ब्रांड को ये फीचर प्रोवाइड करना चाहिए अपनी बाइक के अंदर, ताकि जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे अपने बाइक से और खुश रहे अपने बाइक के साथ, क्योंकि ये फीचर्स की कमी देखने को मिलती है दूसरे बाइक्स के अंदर। लेकिन पैशन प्रो के अंदर आपको सेकंड पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इसका, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका इंजन, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वही 97.2cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वाल्व BS6 फेस टू कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिससे आपको लगभग पावर देखने मिलती है 7.91 PS की और टॉर्क देखने मिलता है 8.05 Nm का विथ 4-speed गेयरबॉक्स। यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं 4-speed गेयरबॉक्स, दो मिलते हैं आपको शिफ्ट करने के लिए शिफ्टर्स, वो देख सकते हैं आप। और इसी के साथ यहाँ पर इंजन क्यों अच्छा है पॉजिटिव पॉइंट में इसलिए आता है, यहाँ पर रिफाइनमेंट लेवल आपको अच्छे मिलते हैं, बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ है और पिकअप भी बहुत अच्छे से लेती है। मैंने ऑलरेडी इसका टेस्ट राइड रिव्यू किया है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मान के आता है इस बाइक का, वो है इसका इंजन, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन मिलता है और पिकअप भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। और चौथा पॉजिटिव पॉइंट भी इसके इंजन को लेकर ही है, वो है इसका माइलेज, अप टू 70 KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, 60 से लेकर 70 तक का अपन माइलेज पकड़ सकते हैं और इतना माइलेज मिलता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं है, पावर भी ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से आपको माइलेज भी 70 तक का मिल जाता है इस बाइक से। एक तो आपको अच्छे लुक्स मिल जाएंगे, दूसरा अच्छा पिकअप मिलता है, उसी के साथ माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाता है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो चौथा पॉजिटिव पॉइंट इसका माइलेज बहुत अच्छा होता है, बाइक को लेने के लिए अच्छा रीज़न बन जाता है इसका माइलेज। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका फिट एंड फिनिश लेवल और बिल्ड क्वालिटी। आप देख सकते हैं फिट एंड फिनिश लेवल्स, यहाँ पर फिटिंग अच्छी की गई है, बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है, कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा गैप देखने को नहीं मिलता, जैसे कंपनी से आता है अच्छा आता है, वेल बिल्ड बनाया है कंपनी ने, मतलब बिल्डिंग अच्छी की है इसकी, अच्छे से असेंबल किया है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप लगा मेरे को, लेकिन इस बाइक के अंदर दूसरी तरफ अपन हेडलाइट पर आ जाएं, यहाँ पर देखो कितने अच्छे से फिटिंग है और क्वालिटी, हाथ लगाने पर पता चलती है कि क्वालिटी प्रीमियम यूज़ की गई है इस बाइक के अंदर, बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। यही अपन स्प्लेंडर, शाइन 100, HF डिलक्स को देखते हैं तो इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी या इतने अच्छे फिट एंड फिनिश लेवल देखने को नहीं मिलते आपको, जितना पैशन प्लस के अंदर आते हैं 2023 मॉडल के अंदर। और पांचवा पॉजिटिव पॉइंट रहता है इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश लेवल्स। छठा पॉजिटिव पॉइंट रहता है इसकी टैंक कैपेसिटी, आपको 11 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी मिलती है, 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी और 70 का माइलेज, तो आप कैलकुलेट करेंगे अगर आप लगातार राइड भी करेंगे, बाइक आपको 70 का नहीं 60 का ही माइलेज देगी, तो आराम से आप 660 किलोमीटर इस बाइक को राइड कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर आपको 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। अदर 100 सीसी बाइक के अंदर आपको इतनी ज़्यादा टैंक कैपेसिटी देखने को नहीं मिलती जितनी आपको पैशन प्लस के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है इसका पॉजिटिव पॉइंट नंबर 6, इसकी फुल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर वाली। 7 पॉजिटिव पॉइंट बनता है इसका सीट कम्फर्ट। यहाँ पर आपको राइडर हो या पिनियन बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइड सीट मिलती है और ऊँची सीट मिलती है। मैं कहूँगा स्प्लेंडर हो गई, HF Deluxe हो गई या दूसरे बाइक हो गए शाइन 100, सब में आपको इतनी अच्छी सीट नहीं मिलती जितनी पैशन प्लस के अंदर मिलती है। आपको मैंने टेस्ट राइड रिव्यू में भी कहा था कि इसकी सीट कंफर्ट बहुत अच्छी रखी है हीरो ने और कुशनिंग भी अच्छी की है। और राइडर हो या पिलियन या लेडीज़ वन साइड बैठते हैं तो साड़ी गार्ड भी मिल जाता है। लेडीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है इसके ऊपर, और इसी के साथ राइडर तो कंफर्टेबल ही होगा क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी बड़ी सीट देखने को मिलती है जो कि चौड़ी है, लंबी है। आपको जैसी सीट चाहिए उस हिसाब से अच्छी मिल जाती है सीट 100 सीसी कैटेगरी के अंदर। तो सातवां पॉजिटिव पॉइंट बनता है इसका सीट कंफर्ट। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो पैशन प्लस 2023 मॉडल के 7 पॉजिटिव पॉइंट बताए। आपको पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना, कोई नेगेटिव पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, उसका भी अपन अलग से वीडियो करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।